हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट रायता, जिसके लिए हमने ले रखा है गाजर, अंगूर, अनार, ककड़ी, खीरे और चीकू। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके लिए हमने दही ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका चाहिए उतना दही ले सकते हैं। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, दही गाढ़ी होनी चाहिए। इतना चलाते रहेंगे, इसमें कोई भी लंग्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। दही को फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ खीरा, उसके बाद में हम इसमें चीकू ऐड करेंगे तथा उसके बाद ककड़ी ऐड कर रहे हैं। इसमें हम अनार ले रखे हैं और अंगूर डालेंगे और गाजर डाल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो इस समय मार्केट में आ रहे हैं, जो आपको पसंद हो। उसके बाद में हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ब्लैक साल्ट, काला नमक यूज करेंगे। हाफ टेबल स्पून लगभग धनिया पाउडर यूज करेंगे। जीरा मसाला अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, भुना हुआ जीरा है। इन सारे मसालों और फ्रूट को डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। प्रॉपर अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसको मिक्स करते रहेंगे। लगभग अब हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। गाइज, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहे हैं जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़िया आएगा। अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसाले मिक्स करने के बाद ये हमारा फ्रूट रायता बनकर तैयार है, जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको हम चेक करके बताएंगे कैसा लगता है। इसको सर्व करने से पहले हम इसमें कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे देखने में ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। अब हम इसको चेक करके बताते हैं खाने में कैसा लगता है। खाने में ये बेहद टेस्टी लग रहा है, आप लोग ज़रूर बनाइए। झटपट बनने वाला रायता है और खाने में सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट कर अपना अपना इंटरेस्ट ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और ऐसे ही नई नई वीडियो डालते रहें। थैंक यू।